फाइनली सम गुड न्यूज फ्रॉम द सुपर हीरो फ्रेंचाइजी, जिसको सुनते ही मैं बहुत बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। तो यार अगर तुम्हें नहीं पता तो कल रात सिनेमा कॉन का एक इवेंट हुआ जिसके अंदर 15 मिनट का पैनल था सोनी वालों का, जिसमें पोटेंशियल था कि वो स्पाइडरमैन 4 भी अनाउंस कर दें। पर फिलहाल स्पाइडरमैन 4 की तो कोई लीक या रूमर वगैरह कुछ भी नहीं है, बट क्रेवन द हंटर का ट्रेलर जरूर दिखाया गया है और जिन जिन ने ट्रेलर देखा है वो दिमाग से पागल हो गए। पर सैडली ये वाला सिनेमा कौन है, इसके अंदर इन्होंने सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी थी, मतलब किसी को फोन अंदर ले जाने ही नहीं दिया और ट्रेलर लीक ही नहीं हुआ अभी तक। बट उम्मीद है कि ये ट्रेलर लीक हो ही जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंफर्मेशन आई है इस ट्रेलर से वो कि ये ट्रेलर आर रेटेड होने वाला है, मतलब फुल खून खराबा। और जिन्होंने ये ट्रेलर देखा है वो उसको बता रहे हैं कि ये लोगन और डेडपूल टाइप का होगा, मतलब आसानी करना पूरी स्क्रीन पे खून ही बहा देना है। और इसका एक छोटा सा जो टीजर ट्रेलर दिखाया गया उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स हैं और बहुत ही ज्यादा खून खराबा है। और इसके अलावा वन ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स ये है कि इसके अंदर हमें राइनो दिखाया गया है। ट्रेलर के एक सीन में राइनो अपने आप को इंजेक्ट करता है और मूवी के एंड तक वो राइनो में पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सैडली ये वो वाला राइनो नहीं है जो हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में देखा था। ये राइनो टोटली डिफरेंट है और मे बी ये रोबोटिक भी नहीं होगा, ये असल में राइनो ही होगा कॉमिक की तरह। और राइनो ही क्रेवन द हंटर मूवी का पोटेंशियल विलन होगा, जिसको एंड में जाके क्रेवन द हंटर ही रोकेगा। क्या कर रहे हैं सोनी, अपने हर विलन को एंटायर हीरो बनाएंगे तो विलन कौन बचेगा। और लास्ट इसके अंदर शॉकवेव जो है स्पाइडरमैन का काफी हैवी विलन है, उसको भी थोड़ा सा टीज किया गया है। खैर और कोई लीक निकल कर आती है, कोई डिटेल निकल आती है तो उस पर तो मैं वीडियो बना ही दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर।